नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि क्या आप मकान की ख्वाहिश रखते हैं या जमीन से जुड़े कारोबार करना चाहते हैं और आपका ये सपना पूरा होने जा रहा है। अगर आपके हाथ में ऐसा चिन्ह है तो अपने जीवन काल में आप अवश्य मकान का निर्माण करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। आइए अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा। जीवन रेखा हमारे जीवन के एक एक प्रोस्पेक्ट के बारे में बताती है। इसी प्रकार से हमारी ये मस्तिष्क रेखा कहते हैं ना कि हमारे विचारों के बारे में बताती है। और इसी प्रकार हमारी हृदय रेखा, हृदय रेखा हमारे प्रेम संबंधों के बारे में बताती है। सबसे पहले हम किसी चीज का आकलन करते हैं या भविष्य की बात करते हैं तो अपने भाग रेखा को अवश्य देखते हैं। जैसे मणिबंध से चलकर शनि के पर्वत की तरफ जाने वाली रेखा को हम भाग रेखा कहते हैं। जीवन में जो भी हम कार्य करते हैं या जिस भी लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, हम अपनी भाग रेखा को ही सफलता की रेखा मानते हैं। अगर आपका भाग रेखा प्रबल है, आप जीवन में कोई भी रोजगार या व्यवसाय करते हैं, आपको उसमें तरक्की मिलने वाली है। इसी प्रकार से जब हम मकान की बात करते हैं, जैसे कि यह शुक्र का पर्वत है, ये शुक्र का पर्वत है, शुक्र का पर्वत हमारे लग्जरियस का कारण माना जाता है कि हम जीवन में धन दौलत कमाएंगे और अच्छी जीवन यापन करेंगे। तो हम शुक्र पर्वत से देखते हैं कि कहते हैं ना शुक्र की चीजें जो लग्जरियस लाइफ को है, पानी पीने से लेके आराम की जितनी चीजें आती है वो शुक्र के अंतर्गत आती है, जो शुक्र सुंदरता को भी दर्शाती है। इसी प्रकार से अगर आपके हाथ में शुक्र के पर्वत पर एक वर्गाकार बनता है, ये वर्गाकार एक प्रॉपर वर्गाकार बनता हो तो आप अपने जीवन काल में अवश्य मकान का निर्माण करेंगे और बड़े घर में रहने का आपको सौभाग्य मिलेगा। इसी प्रकार से जितने आपके शुक्र के पर्वत के ऊपर ये वर्गाकार बनते हैं उतने आप मकानों का निर्माण करेंगे, उतने आप मकान खरीदेंगे। इसी प्रकार से हम शुक्र का ये सुख सौंदर्य देखते हैं। इसी प्रकार से गुरु के पर्वत के ऊपर, कहते हैं ना गुरु ज्ञान देने वाला होता है, यहां पर ये गुरु का पर्वत है, ये गुरु का पर्वत है, इसको हम गुरु का पर्वत बोलते हैं। गुरु का पर्वत, गुरु के पर्वत के ऊपर अगर यहां पर भी एक वर्गाकार बनता है, छोटा बनता है तो छोटे घर में रहने का सौभाग्य मिलता है और अगर बड़ा वर्गाकार बनता है तो बड़े घर में रहने का सौभाग्य मिलता है। इसी प्रकार से ये हमारा मंगल का क्षेत्र है, ये मंगल का क्षेत्र है। कहते हैं ना मंगल पराक्रम को दिखाता है, आपकी शक्ति को दिखाता है, आपको तेज को दिखाता है। और यहां पर अगर इसी मंगल के पर्वत के ऊपर ये स्टार बनता है, ऐसे लोग अपने जीवन काल में अधिक जमीनों के मालिक बनते हैं, इनके पास एकड़ों में जमीन होती है। तो दोस्तों, ये रही आज की हमारी वीडियो। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।